हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपदा काल में ऑक्सीजन की भूमिका जीवन रक्षक के रूप में निर्णायक है गुप्ता। कोरोना काल की दूसरी लहर में सोजत राज के चिकित्सालय में कोविड-19 वार्ड प्रभारी के रूप में सेवा देकर सैकड़ों लोगों को जीवन दान देने वाले डॉक्टर राजेश गुप्ता ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए कोरोना काल में दिव्यंगत हुई आत्माओं के सम्मान में पंचवटी वाटिका में वृक्षारोपण कर एक मिसाल पेश की है। पर्यावरण प्रेमी चंद्र मोहन ओझा के साथ पंचवटी वाटिका में कोरोना काल में दिव्यंगत आत्माओं के एवं कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में पौधारोपण करते हुए डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि आपदा काल में ऑक्सीजन की भूमिका जीवन रक्षक के रूप में निर्णायक रही है। अतः ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर प्रकृति को समृद्ध बनाना है। उल्लेखनीय है कि सोजत की सामाजिक संस्थाओं अभिनव कला मंच के अध्यक्ष गोवर्धन लाल गहलोत, सचिव चेतन व्यास, उपाध्यक्ष श्याम लाल व्यास, सोजत सेवा मंडल के पुष्पत राज मुनोद, ताराचंद सैनी, पेंशनर समाज अध्यक्ष लालचंद मोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद भाटी, पंकज त्रिवेदी, महेंद्री उगमी, मोहनलाल टाक काकू, मदन पवार, मनीष पालरिया, महेंद्र पालरिया, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जुगल किशोर निकुम, सभासद राकेश पवार, भारत विकास परिषद के राम स्वरूप भटनागर, राम भजन बंसल, प्रकाश सोनी, राम किशोर राठौड़, सेवा भारती के सुरेश मेवाड़ा, एक पहल आपकी सेवा अध्यक्ष पूरन सिंह राजपुरोहित, रोशनी फाउंडेशन के वीर बहादुर सिंगाड़िया, अशोक पारट आदि ने कोरोना काल में डॉक्टर गुप्ता की सेवाओं को देखते हुए उन्हें सोजत रत्न की उपाधि से अलंकृत करने का निश्चित किया है। जागरूक टीवी की सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।